सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए वेलकम टू एनसीईआरटी सी ई आर वे यूपीएससी दोस्तों एन वे यू आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लुक क्लास टेंथ एसएसटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यूरोप के अंदर कैसे नेशनलिज्म फैला जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे वो यू पी या और दूसरे एग्जामिनेशनस हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हेर यू कैन सी द पिक्चर वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिस इज बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है ये हेर यू कैन सी पीपल जस्ट गोइंग इन अ डायरेक्शन एंड होल्डिंग द फ्लैग्स फ्लैग्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिफरेंट नेशंस डिफरेंट डिफरेंट नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कई सारे फ्लैग्स यहाँ पे इस पिक्चर में आपको एक और चीज दिख रही है कई सारी जो है स्टैचूज है ना लाइक दिस वन लाइक दिस वन है ना कई सारे स्टैचूज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर दीज स्टैचूज आर सिम्बलाइजिंग लिबर्टी फ्रीडम है ना ऑल अदर डेमोक्रेटिक आस्पेक्ट्स देखिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप सबसे पहले तो हम मतलब समझेंगे इसका नेशनलिज्म व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है देखिए नेशनलिज्म इज अ फीलिंग टुवर्ड्स योर नेशन फीलिंग ऑफ लव अफेक्शन सो दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज नेशनलिज्म राष्ट्रवाद इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम राष्ट्रवाद सो so, क्या होता है राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति प्यार है जो आपका समर्पण है जो त्याग है तो वो जो देशभक्ति की भावना है उसी को हम क्या कह रहे हैं राष्ट्रवाद कह रहे हैं सो व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव अफेक्शन पेट्रोटिज्म कंट्रीट इज दैट फीलिंग इज नोन एज नेशनलिज्म सिंपल नाउ द फर्स्ट फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद्रेंच रिवल्यूशन सेवनटीन एटी नाइन सेवनटीन एटी नाइन में फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था इन ग्रेट नाइन्थ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंच रिवोल्यूशन उसके लिए भी अलग से आपको वीडियो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख पाएंगे उसका भी तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ था सेवनटीन एटी नाइन में दैट प्लेड बिग रोल दैट प्लेड वेरी बिग रोल इन द नेशनलिज्म फीलिंग फीलिंग अराउज जो जो नेशनलिज्म uh, हुई एक यूरोप के अंदर थ्रू आउट यूरोप इन डिफरेंट डिफरेंट नेशंस उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवोल्यूशन के दो तीन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट थे दो तीन इंपॉर्टेंट आइडियाज थे द आइडियाज ऑफ ला पेट्री फादरलैंड एंड द आइडिया ऑफ ले द सिटीजन है ना हम या, ये जमीन जो है ये हमारी फादर लैंड या मदर लैंड जिसको हम रिप्रेजेंट करके बोलते हैं और वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ दिस लैंड सो वी ऑल आर इक्वल सो दिस एम्फोसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन कि पूरा जो आ, ये जो फीलिंग थी फ्रांस के अंदर उसके अंदर क्या हुआ पूरे जो फ्रेंच पीपल थे उनको लगा कि वी ऑल आर सिटीजन वी वो, वी ऑल आर इक्वल है ना एंड दिस इज आर फादर लैंड सो दिस फीलिंग जस्ट अराउस्ट वन थिंग इन देयर माइंड द फ्रेंच पीपल दैट वी ऑल आर इक्वल एंड वी ऑल बिलोंग टू इच अदर है ना एंड वी आर एसोसिएटेड विद ए यूनाइटेड कम्युनिटी हम सब यूनाइटेड हैं हमें कोई डिफरेंस नहीं है अर्लियर जैसे फ्रेंच रोलेशन से पहले फ्रेंच सोसाइटी में uh, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना जो सोसाइटी थी दैट वॉज डिवाइड इन टू थ्री पार्ट क्लर्गीज है ना जिसको फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट या थर्ड स्टेट भी बोलते थे क्लर्गीज नॉवल्स या कॉम्स नाव अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर एज चोजन टू बी रिप्लेस फॉर्मर द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड सो अर्लियर देर यूज टू बी अ फ्लैग ऑफ फ्रांस इट वॉज रिप्लेसड बाई न्यू ट्राई कल ऑफ फ्रेंच फ्लैग एंड ये ट्राई कलर जो है रिप्रजेंट कर रहा था आइडियाज को लिबर्टी को फ्रेटर्निटी को है ना सिटीजन मदरलैंड को फादरलैंड को न्यू हाईम्स कम्पोज ओट्स वेकन एंड मार्चर्सोमरेटेड इन द नेम ऑफ नेशन है ना नए नए हाईम्स बनाए जा रहे थे टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया when we got independence and even uh, the when the independence movement was going on here many songs you know for the patriotism feeling was made here in india as well log song gaate the national song suppose vande mataram है ना कितने आ, uh, एक uh, देशभक्ति की भावना के साथ लोग गाते थे उसको और एक फीलिंग अराउज होती थी नेशनलिज्म की है ना देखिए न्यू were, कम्पोज ओट्स एंड in इन द नेम ऑफ नेशन सेंट्रलाइज सिस्टम वॉज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेड ये हम किसकी बात कर रहे हैं जब फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान क्या क्या हुआ फ्रांस के अंदर तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म सिस्टम वेट का मेजर्स का ये जो है प्रैक्टिस किया जाने लगा इंटरनेशनल कस्टम्स जो है एंड ड्यूज जो है वो अबॉलिश कर दी गई रीजनल डायलैक्ट्स जो है उसको डिस्करेज करके एक सिंगल लैंग्वेज और वो कौन सी लैंग्वेज फ्रेंच उसको क्या बना दिया गया कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया नेशन का तो इससे हुआ क्या सारे पीपल एक स्टेज पर आ गए मतलब सारे जो लोग हैं वो एक स्टेज पे यूनाइटेड फील करने लगे अपने आप को तो ये जो है आप देखिए फ्रांस के अंदर जो चेंजेस हुए वो कैसे पूरे यूरोप के अंदर फैलेंगे वो हम देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर तो देखिए नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है द नेपोलोनिक कोड ऑफ एटीन जीरो फोर सो वेन द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंडेड न्यू मिलिट्री रूलर और ए लीडर केम इन टू द फ्रंट एंड हिज नेम वज नेपोलियन बोना ठीक है नेपोलियन बोना पार्ट नेपोलियन जो था

वट वर द इंपॉर्टेंट रूल्स मेड इन नेपोनिक कोर्ट क्या बनाए गए थे रूलोनिक कोड में तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हिट डेड अवे विद ऑल प्रिवलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ अर्लियर देर यूज टू बी मेनी प्रिविलजेस वी मीन बाई प्रिवलेजेस स्पेशल राइट कुछ विशेष अधिकार जो होते हैं ना बर्थ के बेसिस अधिकार दिए जाते थे उसमें क्लर्गी नॉबल्स का जो सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया है ना इस्टेब्लिश इक्वेलिटी बिफोर लो लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी है ना? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं नेपोलोनिक कोड Okay, question Asakta i Write a short note on the Napoleonic Code. So, Napoleonic Code when, uh, uh, was introduced by the Napoleon Bonaparte. He was the military ruler in France, and it was introduced in 1804. These are the as follows rules uh, established in the Napoleonic Code. First, he did away with all the privileges based on birth, established equality before law, and secured the right to property. He simplified the administrative division. This is very important. For administrative smoothness, he simplified all the administrative division. He made it more uh, accountable rather. Abolished the feudal system and shade the peasants free from the manorial dues. and he abolished the feudal system. You know about the feudal system earlier, like uh, in India, there used to be samantwadi system, jagirdari system. There will there used to be rich landlords, and those rich landlords used to be loyal to the king, actual king. उसके लिए लॉयल होते थे राजा के लिए मेन राजा के लिए तो ऐसा ही यहाँ पे किया गया क्या किया गया देखिए फ्यूडल सिस्टम जो है जो ऐसा सामंतवादी जो सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया गया जागीरदारियां जो है वो ले ली गई राजा अपने, अपने पास में एंड पेजेंट्स जो थे उनके लिए जो मैन्यल ड्यूज होते थे मैन्यल ड्यूज क्या है सर देखिए मैनोर होता था एक द पर्सनल अस्टेट ऑफ द रिच लैंड दैट वॉज नोन एज मैनोर है ना तो वो रिच लैंडलॉर्ड होते थे ना जमींदार वो भी टैक्स लगाते थे कई तरीके उनको बोलते थे मैन टूस तो उसको माफ कर दिया गया पेजेंट्स के लिए गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव वट डू मीन बाई गिल्ड्स सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स यूज टू मेक यूनियन यूनियन बनाया करते थे जैसे हैंड जो हैंडीक्राफ्ट्स बना रहे हैं उनकी अपनी एक यूनियन हो गई है ना जो किसी एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनकी अपनी यूनियन जैसे आज के टाइम में होती है ना ट्रेड यूनियंस वैसे गिल्ड्स होती थी तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए अर्लियर देर यूज टू बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड्स ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव कर दिया गया so uh, क्वेश्चन क्या -क्या आ सकता है आप देखते हैं इसमें सबसे पहले वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया नेपाल कब आया इंट्रोड्यूस किया गया जीरोल नाउ which were the rules so these are the rules everyone hai you na know, from he did away with all the privileges based on birth abolished uh, abolished all the uh, discrimination and established equality before law secured the right to property simplified the administrative division and all other aspects theek hai okay? नेपोलोनिक कोड बिल्कुल clear हो जाना चाहिए अगर नहीं आपके सामने आया तो एक बार वापस इसको रिकैप कीजिए दोबारा से देखिए समझिए देखिए सेकंड से से इसमें बता रहा है question आता है कई बार ये भी वट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ एटीन जीरो फोर कोड या वट आर दमिंग्सिकॉर्टकमिंग क्या थी क्या थी कमियां क्या थी है ना तो देखिए द एडमिनिस्ट्रेटर वर नॉट कॉपिंग अपनमेंट वॉन्ट्स टू इंप्लीमेंट समिंगस आर नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है सेम है सेम यहाँ पे हुआ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे ना वो इनसे कॉप नहीं कर पा रहे थे सिस्टम से इंक्रीज टैक्सेशन एंड ऑल्सो कंट्रोल ओवर द सेंसरशिप है ना टैक्सेशन भी कई लेवल में बिकॉज देर वॉज द दैट वॉज द टाइम वन वॉर वॉज गोइंग ऑन सो बिकॉज टू मैनेज द आर्मी टू मैनेज ऑल अदर एडमिनिस्ट्रेशन है ना ऑबियसली किंग नीडेड मनी है ना और द सिस्टम नीडेड मनी सो दे ऑल्सो इंक्रीज द टैक्सेस

यूरोप वॉज नॉट लाइक दिस यूरोप वॉज नॉट लाइक दिस यूरोप वॉज डिवाइडेड इन टू मनी स्टेट्स कई सारे स्टेट्स में यूरोप डिवाइड था कई सारी इवन जो बड़ी कंट्री की हम बात हैं टेक एग्जाम्पल ऑफ जर्मनी जर्मनी वॉज नॉट इवन यूनाइटेड जर्मनी वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन मैनी स्टेट्स बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइडेड था जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेशिया जर्मनी वॉज यूनिफाइड लीटर सो नाव यूरोप क्या था A patchwork of different regions, many, many, many states were there, and dialects. Dialects means local languages. So there were there used to be uh, many languages spoken there. So most of the parts of Europe was ruled by kingdoms, you know, kingdoms, cantors and ditches. So local rulers and you know, uh, rich landlords they used to rule different different parts of Europe. For example, the Habsburg Empire ruled over Austria, Hungary, Tyrol, Sundanland, Bohemia, etc. Mostly the people in different territories spoke different dialects. Obviously, the aristocrats German language they used to speak Lombardy and Venetia. That was that. Uh, these were the main states of Italy. Even Italy was divided. Italy was also unified later on. So in Lombardy and Venetia, Italian was spoken. Hungary Magyar language, Galicia Polish language. So you can see the dialects. Different different languages were spoken there. Now.

so middle class were the working class populations professionals teachers lawyers and, and the peasants third one the peasants were the small farmers they were known as the serfs and were assigned to cultivate the vast and holdings of the aristocrats and landlords so the peasants were also known as serf so there was a system prevalent that was known as serfdom system serfdom system s e r f d o m serfdom system so the forced laborers

बिफोर लॉ एवरी वन इज कंसिडर्ड इक्वल वैन सो दैट इज लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल्स फेयर फ्रीडम मिले है ना गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न द गवर्नमेंट विच यू वॉन्ट यू मीन्स द पीपल द पीपल इफ पीपल वॉन्ट अ सर्टन गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट मस्ट बी मेड अपनी मर्जी से ही कोई गवर्नमेंट में ना आ जाए लोगों की कंसर्ट से है ना लोगों की सहमति से एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिवलेजेस ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट

वोलवोरिन एक फिल्म है बहुत अच्छी शानदार उससे आपको याद रह जाएगा वैसा ही कुछ लग रहा है जॉलवरिन एक्चुअली दिस वॉज एन यूनियन एक यूनियन बनाई गई थी कस्टम यूनियन इट वॉज मेड इन प्रशिया इन एटीन थर्टी फोर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशिया दिस यूनियन वॉज मेड इन जर्मनी जॉलवरन एंड अंडर दिस लीडरशिप अंडर दिस यूनियन ऑल स्टेट्स केम अंडर दिस यूनियन एंड दे रिमूव डिफरेंट डिफरेंट कस्टम यूनियंस डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस उन्होंने रिमूव कर दिए पहले जो टैक्स लगते थे अब उन्होंने कहा कि हम एक ही टैक्स लगाएंगे जो भी ज्लवरिंग की पार्ट होगा उस पूरे स्टेट्स में गुड्स जो है फ्रीली मूव कर पाएंगे तो उससे हुआ क्या प्राइसिस कम हो गए जो <coughs> सॉरी जो गुड्स की प्राइस थी वो प्राइसेस बिल्कुल आ, कम होने लग तो उससे लोगों को एक लोगों के अंदर ये एक दिमाग में आया कि अगर हम सब एक हो जाए फ जर्मनी वॉज डिडेड टू मैनी स्टेट अगर जर्मनी के अंदर ये दिमाग में आया कि अगर हम एक हो जाए तो हम तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे हमको अभी जैसे प्राइसिस कम हो रही है अब हम डिफरेंट डिफरेंट बटे हुए हैं तभी क्या है प्राइसेस बहुत ज्यादा है महंगाई है नहीं तो महंगाई कम हो जाएगी तो इसलिए लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी आई द यूनियन एबॉलिश टैरिव वेरियज एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम वन ओवर थर्टी टू टू सॉरी तो थर्टी से लेकर टू तक जो है uh, वो करंसी जो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज थी वो लेके आई गई नाउ द कस्टम यूनियन अगेन ओपन द नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इस कस्टम यूनियन ने क्या किया रेलवे uh, का मूवमेंट जो है स्मूथ बनाने के लिए कई तरह के रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दिए गए नाउ द कंजरवेटिव ये क्वेश्चन आ सकता है राइट इज शॉर्ट नॉट ऑन द कंजरवेटिव सो कंजरवेटिव आर सिंपल दे वॉन्ट द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन टू कंटिन्यू कंजरवेटिव आर द पीपल हु वॉन्ट द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन टू कंटिन्यू अब आप कहोगे सर विच आर द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की द सोशल हार्की सिस्टम द चर्चेज़ है ना द प्रिवलिजिज बेस्ड ऑन बर्थ सो कंजरवेटिव आर ऑल दो पर्सनसू वांट दीज थिंग्स कंटिन्यू दे बिलीव ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशियंट ब्यूरो इन अबोल्यूशन ऑफ सर्वडम एंड फ्यूडरिज्म कुड स्ट्रेंथन मोनाकी ठीक है एंड दे इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल अवर फ्रीडम ऑफ स्पीचिज एंड न्यूज पेपर्स क्रिटिसाइज एंड कब ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट अगेंस्ट मोनार्की तो कंजर्वेटिज इन लिबरल्स को क्रिटिसाइज करते थे है ना नाउ वियना कांग्रेस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आपके बोर्ड के फाइनल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लास टेंथ के वियना कांग्रेस सो इट वॉज हेल्ड इन एटीन फिफ्टीन एक्चुअली वियेना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया ठीक है ऑस्ट्रिया कैपिटल वियेना सो अंडर द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूक मैटमिच अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्यूक मैटमिच दिस कांग्रेस वॉज हेल्ड

हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा वी आर रीडिंग वियना कांग्रेस द क्वेश्चन कैन बी आज लाइक राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वियना वियना कांग्रेस या वट वर द प्रोविजन्स मेड इन वियना कांग्रेस तो वो हम देख रहे हैं तो इसमें बता रहा है कि थर्टी नाइन स्टेट्स की जो यूनियन बनाई थी ये यूनियन नेपोलियन ने बनाई थी फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथनेस तो इसमें अनटच रखा गया उनको बाकी कई सारे स्टेट्स क्रिएट किए गए द इंटेंशन वाज टू रिस्टोर कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप सो वट वाज द मेन इंटेंशन ऑफ वियना कांग्रेस द मेन इंटेंशन वाज टू And order in Europe, okay, of 1815 रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप ठीक है तो उसमें जोशिप मेजीनी मैं, जो है मेजीनी का बहुत बड़ा रोल था मेजीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था एंड ही प्लेड बिग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली ही वॉज बोर्न इन जनवन एटीन जीरो सेवन फाउंडेड टू सीक्रेट सोसाइटी द यंग इटली इन मर्सिलीज एंड द यंग यूरोप इन बर्न नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग कभी भी कुछ भी हम रीड करें वेदर यू आर रीडिंग और यू आर रीडिंग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और यू आर रीडिंग सोशलॉजी और यूर रीडिंग साइंस और मैथ्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग पैराग्राफ जब हम रीड करते हैं उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से तो यहां से देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मजीनी ये बन गया तो उसमें आपको लिखना है बहुत सारी चीजें नाउ वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन वेयर ही वॉज बोर्न इन जेनुआ वेन एटीन जीरो सेवन विच टू सीक्रेट सोसाइटी वॉज फाउंड बाई मजीनी यंग इटली एंड यंग यूरोप वेयर द यंग इटली वॉज फाउंड इन मर्सलीस वेयर द यंग यूरोप वॉज फाउंड इन बर्न समझ गए तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग He was also a member of secret society at Carbonari. Carbonari was also a very important secret society working in Italy and uh, Europe. So he was also a member of that. At the age of 24, he was sent to exile. Why? Because uh, he revolted in Liseria. So so where so then the monarch just sent him to exile. He said one important thing. ट गॉड हेज मेड द नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ वेरियस किंगडम्स इटली मस्ट बी यूनाइटेड इटली में क्या था डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था इटली तो इटली को क्या होना चाहिए यूनाइट होना चाहिए नाउ मैटमिच डिस्क्राइब मजीनी इज द मोस्ट डेंजरस एनीमी ऑफ कंजरवेटिव मैटमिच जो देखा था ना हमने अभी जो ड्यूक था ऑस्ट्रिया का उसने डिस्क्राइब किया दट ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ कंजर्वेटिवस हो मजीनी

Uh, conditions were harsh. Population was also increasing, unemployment were, uh, was prevailing, overcrowded species. Right? And uh, the industrialization in New England created hardships for small producers. That was also very important. This also played a big role in the uh, arousal and the rising of the nationalism feeling in Europe. A rise in food prices, bad harvest, and a widespread. पॉपुलिज्मज एक्सट्रीम पॉवर्टी सो कंडीशन बहुत हार्श हो रही थी तो इसकी वजह से रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ अलग अलग लेवल पर रिवॉल्ट ऑफ व्यवर्स इन सिल्सिया इटली के अंदर देखिए सबसे पहले सिल्सिया के अंदर क्या हुआ वीविंग जो वीवर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया दे ग रॉ मेटेरियल्स फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्टर्स रॉ मेटेरियल उनको मिलता था कॉन्ट्रेक्टर्स से ताकि वो फिनिश गुड्स बनाए लेकिन रिटर्न में उनको क्या मिलता था बहुत कम पैसे मिलते थे लेस वेजेस सो देयर फॉर दे प्रोटेस्टेड सो ऑन फोर्थ ऑफ जून एटीन फोर्टी फाइव क्राउड ऑफ व्यूवर्स अटैक्ट ऑन द रेजिडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्सोड प्लन्डर द तो उन्होंने क्या करना है? स्टार्ट कर दिया लूट मार मचाना स्टार्ट कर दिया वीवर्स ने क्योंकि ये सब हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे वीवर्स का इसके अलावा भी कई सारे और जो लोग हैं उन्होंने अलग अलग लेवल पर एग्जाम्पल देख रहे हैं 4, June, को प्रोटेस्ट होना है स्टार्ट हुआ इन फियर कॉन्ट्रैक्टर फ्लैड अवे बट आफ्टर ट्वेंटी आवर्स अगेन रिटर्न रेजिमेंट ऑफ आर्मी एंड किल्ट इलेवन ऑफ द वीवर्स वापस जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भाग तो गए वहाँ से लेकिन वो आर्मी के साथ में दोबारा लौटे लगभग ग्यारह के करीब वीवर्स मारे गए तो इससे और रिवोल्ट भड़का यूरोप के अंदर द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स इन एटीन फोर्टी एट एटीन फोर्टी एट के अंदर लिबरल्स का रिवोल्यूशन उसमें मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स जैसे शॉपकीपर्स लॉयर्स बिजनेसमैन उन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली कॉल की जर्मनी के अंदर हम देख रहे हैं ये सो so द ये सारे जो हैं असेंबल दम्सल्स इन फ्रैंकफर्ट ठीक है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एटीन मई 1848 को असेंबल हुए लगभग 831 रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे थे दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन सब्जेक्ट इन टू पार्लियामेंट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया और पार्लियामेंट जो है इसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे इस तरीके का सिस्टम उन्होंने बनाया दे ऑफर्ड द क्राउन उन्होंने कहा कि फेडरिक विलियम फोर्थ जो है वो क्या करें इस टर्म्स के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे बना रहे हैं उसके तरह उस टर्म्स के अकॉर्डिंग वो रूल करे लेकिन उसने डिनाई कर दिया बिकॉज नो वन वांट्स टू गिव अप द पावर्स सिंपल एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया और इन लोगों ने बोला कि फेडरिक विलियम फोर्ट जो किंग है वो क्या करे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले लेकिन उसने डिनाई कर दिया सो पार्लियामेंट इस तरीके से खत्म हो गई इरोड हो गई लेकिन फिर मूवमेंट और भड़का आ गए Now, इसी दौरान जो है वीमेन राइट्स को लेके भी जो है बहुत सारी विमेन ने स्पेसिफिकली और मैन ने शोल्डर टू शोल्डर वुमेन के राइट्स को उठाने स्टार्ट किया यूरोप के अंदर उनके पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनके लिए वमेन्स जो थी उन्होंने बुक्स लिखना स्टार्ट किया नॉवल लिखना स्टार्ट किया और अपने पॉलिटिकल राइट्स जो है वो डिमांड करना स्टार्ट किया और एक्टिवली जो है मोमेंट्स तो में अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया नाउ रोमांटिसिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर रोमांटिसिज्म सिंपल बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट भी है देखिए जैसे आप भी कोई गाना सुनते हैं देशभक्ति का कोई गाना सुन रहे हो अब चाहे कोई भी किसी किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो अगर हम कोई अगर हम बात करें चाहे हम रशियन की बात करें अगर वो रशिया का गाना सुन रहा है रशिया रशिया का गाना इन सेंस र, अपनी देश देशभक्ति का गाना अगर कोई सुन रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एक फीलिंग राइज होगी एक नेशनलिज्म की फीलिंग हम अगर कोई गाना सुनते हैं बहुत अच्छा देशभक्ति का तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है प्राउड फील करते हैं और एक फीलिंग अराइज होती है अंदर से कि देशभक्ति वाली फीलिंग तो रोमांटिसिज्म सिंपल सा क्या है कि कल्चरल मूवमेंट टू इंस्टॉल नेशनलिस्टिक अमंग द पीपल वेरी सिंपल किसके जरिए पोइट्री म्यूजिक डांस लैंग्वेज आर्ट है ना पेंटिंग्स इनके जरिए जो क्या करना नेशनलिज्म फीलिंग को लोगों के अंदर जगाना उसी को हम क्या कह रहे हैं रोमांटिसिज्म सिंपल जैसे आप यहां पे तीन पार्ट देख रहे हैं पेंटिंग म्यूजिक एंड डांस एंड लैंग्वेज सो म्यूजिक एंड डांस के तरीके से पेंटिंग के तरीके से या लैंग्वेज के तरीके से फीलिंग को राइज करना नेशनलिज्म फीलिंग को राइज करना मन में दिमाग में उसी को हम क्या कह रहे हैं रोमांटिसिज्म सो इफ क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म व्हाट विल यू से अ कल्चरल मूवमेंट इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप टू इंस्टॉल नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट अमंग द पीपल थ्रू वेरियस मीन सच एज आर्ट पोइट्री म्यूजिक डांस एंड लैंग्वेज इनके जरिए नेशनलिज्म फीलिंग को राइज करना लोगों के दिल दिमाग में ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वेरी इंपॉर्टेंट इन जो आप नेशनलिज्म पढ़ते हो यूरोप का जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो जर्मनी वॉज अ पैचवर्क ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर है ना किंगडम्स एंड डाय जर्मनी वॉज एक्चुअली डिवाइडेड इन टू मैनी स्टेट सो बिस्मार्क यहाँ पे देखिए बेटा ऑटोवन बिस्मार्क है ठीक है बिस्मार्क प्लेड बिग रोल इन द जर्मन यूनिफिकेशन एंड इन आफ्टर द पर्शियन विक्ट्री इन एटीन सेवनटी सिक्स किंग काइजर विलियम वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू जर्मन एम्पायर है ना एंड ही वॉज सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट पार्लियामेंट वॉज मेड रूल्स एंड रेगुलेशन वर मेड सो दिस वर दिस दिस इज हाउ जर्मन यूनिफिकेशन वॉज डन नाउ इसका अलग से हम वीडियो देखेंगे पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन जिसमें सबका रोल कैसे जर्मनी यूनिफिकेशन हुआ वो आपको अवेलेबल हो जाएगी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख पाएंगे नाव यूनिफिकेशन ऑफ इटली Italy was also a patchwork of different Kingdoms and different States. So like Germany Italy was also scattered over different dynasties, States out of which Sardinia Piedmont. Just Germany, Germany one of the States was important Prussia. Theke, Prussia was a State very important under the leadership of Prussia State whole, whole of the Germany was united. So here under the leadership of Sardinia Piedmont. Sardinia Piedmont was also a State. So uh, under the leadership of it Germany, Italy was united. ठीक है नाउ द इटली वॉज डिवाइडेड टू थ्री पार्ट द नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय हाउसबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया साउथ वॉज रूल्ड बाय बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन एंड द सेंटर बाय पोप एंड रोम ठीक है रोल ऑफ मेजीनी अभी हमने देखा था यंग इटली यंग यूरोप इसने फाउंड की थी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन के अंदर नाउ टू मोर इंपॉर्टेंट लीडर्स हु प्लेड अ बिग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली रोल ऑफ कैोर काउंट कैमिल्यू डी कैोर जो थे ये ही वॉज अ ग्रेट डिप्लोमैट He was a great diplomat. He played a big role in the unification of Italy. And he was a uh, democrat no he was neither a democrat nor a revolutionary but made a great contribution to the unification of Italy. Being an influential member of educated Italy he spoke French better than Italian. So he was able to set up a diplomatic alliance with France. ही वॉज सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन forces. ऑस्ट्रिया के साथ में इटली की जो लाई हुई थी सदरिया पेडमॉन्ट की उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कैवोर कि ने डिप्लोमैटिकली फ्रांस का सपोर्ट अटेन कर लिया था इसने। रोल ऑफ गैरी बाल्डी, गैरी बाल्डी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑल्सो ही प्लेड बिग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली गैरी बाल्डी ऑल्सो जॉइन मूवमेंट विथ कैवोर विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स ऑफ इटली ही सक्सीडेड ड्राइविंग अवीद स्पेनिश रूलर्स फ्राम इटली है ना इन एटीन सिक्सटी वन विक्टर इन इमानुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली है ना कॉमन पीजेंट ऑफ इटली था इटालिया एज द वाइफ ऑफ विक्टर इमानुअल ठीक है ना यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन सी ब्रिटेन इनकॉर्पोरेटेड स्कॉटलैंड है ना स्कॉटलैंड वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बना है ब्रिटेन आपको पता है ब्रिटेन ने इंकॉर्पोरेट किया था स्कॉटलैंड को और आयरलैंड का जो है उसको भी शुरू के ड्यूरेशन में जो है उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड सो इस तरीके से ब्रिटिश जो है यूनियन वो यूनिफाई हुई थी ना विजुलाइजिंग द नेशन वेरी इंपॉर्टेंट द नेशन आर द पोर्ट्रेट थ्रू एबस्ट्रेक्ट आइडिया ऑफ फीमेल फिगर दिस इज नोन एज एलिग्री ऑफ नेशन क्वेश्चन आ सकता है वट इज एलिग्री ऑफ नेशन सो देखिए जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है आपने सुन, देखा होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुना होगा ऑफ लिबर्टी के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट तो ऑफ लिबर्टी जो है स्टैच वो एक रिप्रेजेंट करता है लिबर्टी को सिंबलाइज कर रहा है वैसे ही फ्रांस के अंदर और जर्मनी के अंदर जो विमेन एक पोट्री करके जो सिंबलाइज किया गया था एलिग्री ऑफ फ्रांस वो एलिग्री कौन थी फ्रांस के अंदर क्रिश्चियन मैरिनी और जर्मनी के अंदर जर्मीनिया मैरिनी जो थी ये करेक्टराइज करती थी लिबर्टी को रिपब्लिक को है ना और जर्मीनिया शोन वियरिंग एन आर्मर होल्डिंग एन इम्पीरियल स्वाड ठीक है और लाइक इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकता है एलिग्री को लेकर एलिग्री ऑफ जर्मनी और एलिग्री ऑफ फ्रांस तो एलिग्री फ्रांस कौन थी क्रिश्चियन मैरिनी और एलिग्री ऑफ जर्मनी जर्मीनिया ना हे द टेंशन इन बाल्कन सी बाल्कन रीजन जो है करंट रोमानिया बुल्गारिया अल्बीनिया एंड द सराउंडिंग जो कंट्रीज है उस वो पूरा रीजन बाल्कन रीजन कहलाता था सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है आपका और इस रीजन में जो है कंट्रोल के लिए चाहे वो यूके हो रशिया हो जर्मनी हो ये भी आपस में बहुत टेंस रहते थे बिकॉज दिस रीजन वॉज रिच मिनरल रिच इन मिनरल एंड अर्लियर इट वॉज कंट्रोल्ड बाई ऑटोमन एम्पायर बट ऑटोमन एम्पायर जब एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट हुआ तो ये जो दूसरे स्टेट्स हैं यूके जर्मनी और रशिया इन इनके बीच में बहुत टेंशन हुई इस एरिया पे अपना कंट्रोल लेने के लिए सो टेंशन इन बालकन ये आपके चैप्टर का एक पार्ट है नाउ इस वीडियो में हमने देखा कैसी सिचुएशन थी नेशनलिज्म की जो है यूरोप के अंदर हम चैप्टर से आपके जो है वो भी हम वीडियो बनाए बनाएंगे जो भी आपको ऑल कुछ ही टाइम में अवेलेबल हो जाएगी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच